ชดาคิดหอหวังมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงइस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के कुछ ऐसे खतरनाक बग, कुछ ऐसे ग्लिचेस, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और इस वाली वीडियो में भी सारी की सारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रिक्स है जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जो हमारी पहले नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ये छोटा वाला लॉन्च पैड को लेकर यहाँ पे रिवर्स साइड पे आ जाना है। जिस जगह पे भी मैं हूँ आपको इसी जगह पे आ जाना है। और जिससे आप लोग ये छोटा वाला लॉन्च पैड को लेकर यहाँ पे रिवर्स साइड पे आ जाओगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये छोटा वाला लॉन्च पैड को लेके यहाँ से नीचे चले जाना है। जिससे आप लोग ये छोटा वाला लॉन्च पैड को लेके यहाँ से नीचे चले जाओगे, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस जगह पे आ जाना है। और जिससे आप लोग ये छोटा वाला लॉन्च पैड को लेके यहाँ पे इस जगह पे आ जाओगे, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस वाली दीवार के पास आ जाना है। जिससे आप लोग यहाँ पे इस वाली दीवार के पास आ जाओगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये छोटा वाला लॉन्च पैड सेट कर देना है। और जिससे आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इस वाली दीवार के बगल में ये छोटा वाला लॉन्च पैड सेट कर दोगे, तो उसके बाद आपको सिंपली लॉन्च पैड को यूज कर देना है। जिससे आप लोग लॉन्च पैड को यूज कर दोगे, तो उसके बाद आपको सिंपली लॉन्च पैड को इस साइड घुमा देना है। और जिससे आप लोग लॉन्च पैड को इस साइड घुमा दोगे, तो उसके बाद आपको पहले नंबर पे एग्जिट वाला बटन दबा देना है और दूसरे नंबर पे आपको ये मिनिमाइज करने वाला बटन दबा देना है। दोनों के दोनों बटन आपको जल्दी जल्दी दबाने हैं, तभी ये वाली ट्रिक वर्क कर पाएगी। तो जिससे आप लोग पहले नंबर पे एग्जिट वाला बटन दबा दोगे और दूसरे नंबर पे आप लोग मिनिमाइज करने वाला बटन दबा दोगे, और उसके बाद जिससे आपका गेम मिनिमाइज हो जाएगा, तो उसके एक दो सेकंड बाद आपको फिर से गेम में वापस आ जाना है। और जिससे आप लोग अपने गेम में वापस आ जाओगे, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे इस वाली दीवार के अंदर घुस के यहाँ पे पानी में आ जाओगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, जैसे अपने गेम में वापस आता हूँ, तो उसके बाद मैं दीवार के अंदर घुस के यहाँ पे पानी में आ जाता हूँ। और जब भी आप लोग यहाँ पे इस तरीके से पानी के नीचे घुस जाओगे, तो उसके बाद आप लोग पानी के नीचे पूरा का पूरा हाइड हो जाओगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मैं पानी के नीचे घुस चुका हूँ। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, तो उसके बाद आप लोग इसी तरीके से पानी के नीचे पूरा का पूरा हाइड हो जाओगे। और जब भी आप लोग यहाँ पे इस तरीके से पानी के नीचे घुस जाओगे, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे पानी के नीचे भाग सकते हो और पानी के नीचे बैठ सकते हो, और आप लोग यहाँ पे पानी के नीचे इमोट वगैरह भी दिखा सकते हो। जब भी आप लोग यहाँ पे इस तरीके से पानी के नीचे घुस जाओगे, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपनी पूरी स्क्वाड के साथ अपनी रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में आप ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से पानी के नीचे घुसते वगैरह आपके दोस्त आपको दिख लेते, तो आपके दोस्त एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चले बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और लोग, जो हमारी दूसरे नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको वुकोंग के राइडर की एबिलिटी लगा के किसी भी जगह पे आ जाना है। और जब भी आप लोग वुकोंग की एबिलिटी लगा के किसी भी जगह पे आ जाओगे, तो उसके बाद आपको सिंपली पहले नंबर पे फायर वाला बटन दबा देना है और दूसरे नंबर पे आपको वुकोंग की एबिलिटी पे टैप कर देना है। इन दोनों के दोनों बटनों पे आपको जल्दी जल्दी टैप करना है, तभी ये वाली ट्रिक वर्क कर पाएगी। जैसे आप लोग पहले नंबर पे फायर वाला बटन दबा दोगे, उसके बाद जैसे आप लोग दूसरे नंबर पे वुकोंग की एबिलिटी पे टैप कर दोगे, और उसके बाद जिससे आप लोग घास बन जाओगे, तो उसके बाद आपको सिंपली कैंसिल कर देना है। और जैसे आप लोग वुकोंग की एबिलिटी को कैंसिल कर दोगे, तो उसके बाद आप लोग अपने हाथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से गन को पकड़ने वाले हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मैंने अपने हाथ में गन को अलग स्टाइल में पकड़ रखा है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि M10 में स्कोप नहीं होता है, पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने M10 को कुछ इस तरीके से पकड़ रखा है, जैसे कि मैंने M10 का स्कोप ओपन कर रखा हो, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जब भी आप लोग इस तरीके से किसी भी गन को पकड़ने लगोगे, तो उसके बाद आपको सिंपली किसी जगह पे भागना है। जैसे आप लोग भागने लगोगे, तो उसके बाद आप लोग बहुत ही फनी तरीके से भागने लगोगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मेरा कैरेक्टर पूरा का पूरा नीचे झुक के आगे भाग रहा है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। तो जब भी आप लोग इस तरीके से किसी भी जगह पे भागोगे, इस तरीके से किसी भी जगह पे भागते वगैरह आपके दोस्त यहाँ के बंदे आपको देख लेते हो, तो सारे के सारे बंदे एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और जो हमारी तीसरे नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपली ऑब्जर्वेटरी पे आ जाना है। जिस जगह पे भी मैं हूँ आपको किसी जगह पे आ जाना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पे आ जाओगे, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉन्च पैड के पास आ जाना है। उसके बाद आपको लॉन्च पैड को यूज कर देना है। जिसे आप लोग लॉन्च पैड को यूज कर दोगे, तो उसके बाद आपको लॉन्च पैड कैम इस तरीके से इस वाले पेड़ के ऊपर सेट कर देना है। और जैसे आप लोग लॉन्च पैड कैम इस तरीके से इस वाले पेड़ के ऊपर सेट कर दोगे, तो उसके बाद आपको सिंपली लॉन्च पैड को लॉन्च कर देना है। जिसे आप लोग लॉन्च पैड को लॉन्च कर दोगे, तो उसके बाद आपको सिंपली लॉन्च पैड को लेफ्ट राइट साइड करना है। और जैसे आप लोग लॉन्च पैड को लेफ्ट राइट साइड घुमाओगे, और उसके बाद जैसे आप लोग लॉन्च पैड से आगे जाने लगोगे, तो उसके बाद आप लोग लॉन्च पैड से बहुत ही ज्यादा दूर जाने लगोगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मैं लॉन्च पैड से कितना ज्यादा दूर जा रहा हूँ, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग लॉन्च पैड से ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, पर इस वाली ट्रिक को करके आप लोग लॉन्च पैड से मैप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हो। आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मैं लॉन्च पैड से आगे जाते जाते यहाँ पे मैप के किनारे पे आ जाता हूँ। और आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग मैप के किनारे से आगे नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे मैं अटक जाता हूँ। जब भी आप लोग इस वाली ट्रिक को इसी तरीके से करोगे, तो उसके बाद आप लोग इसी तरीके से मैप के किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से जा सकते हो। और किसी भी जगह
वहाँ पे इस तरीके से लॉन्च बर्ड से इतनी दूर जाते हैं, अगर आपके दोस्त यहाँ के बंदे आपको दिख लेते तो सारे के सारे बंदे एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की और हमारे नेक्स्ट वाली ट्रिक की और बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहती है। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग जो हमारी चौथे नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है लॉबी में। लॉबी में आने के बाद आपको सिंपली गाड़ी पे टैप कर देना है, और जैसे आप लोग गाड़ी पे टैप कर दोगे और उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको सिंपली अपने दोस्त को कहना है कि मुझे इन्वाइट करे, और जैसे आपका दोस्त आपको इन्वाइट कर देगा तो उसके बाद आपको सिंपली अपने दोस्त की प्रोफाइल ओपन कर देनी है। और जैसे आप लोग अपने दोस्त की प्रोफाइल ओपन कर दोगे तो उसके बाद आपको अपने दोस्त की प्रोफाइल पे आपकी गाड़ी दिखाई देगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मुझे मेरे दोस्त की प्रोफाइल पे यहाँ पे मेरी गाड़ी दिखाई दे रही है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और जैसे आपको इस तरीके से अपने दोस्त की प्रोफाइल पे आपकी गाड़ी दिखाई देगी तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से कट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ से कट कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई देगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मुझे बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मुझे ये वाली गाड़ियां मेरी स्क्रीन पे भी पूरी नहीं दिख रही है, जो कि देखने में और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जब भी आप लोग इस वाली ट्रिक को इसी तरीके से करोगे तो उसके बाद आपको इसी तरीके से बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई देगी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। जब भी आप लोग इस तरीके से इस वाली ट्रिक को अपने दोस्तों के सामने करोगे और इस वाली ट्रिक को करते हुए अगर आपके दोस्त आपको देख लेते तो आपके दोस्त एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की और हमारे जो हमारी पांचवें नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको इस वाली कार को लेकर यहाँ पे ग्रेवयार्ड पे आ जाना है, जहाँ पे भी मैं हूँ आपको इसी जगह पे आ जाना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे इस वाली कार को लेकर ग्रेवयार्ड पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस वाली कार को लेकर इस जगह पे आ जाना है। जैसे आप लोग इस वाली कार को लेकर यहाँ पे इस जगह पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस वाली कार को इस जगह पे चिपका देना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इस वाली गाड़ी को यहाँ पे इस पे चिपका दोगे तो उसके बाद आपको सिंपली गाड़ी से उतर जाना है। जैसे आप लोग गाड़ी से उतर जाओगे तो उसके बाद आपको फिर से गाड़ी में एंटर कर देना है। और जैसे आप लोग गाड़ी में एंटर कर दोगे तो उसके बाद आपको फिर से गाड़ी से उतर जाना है। जैसे आप लोग गाड़ी से उतर जाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जमीन के नीचे घुस जाओगे, और जैसे आप लोग यहाँ पे जमीन के नीचे घुस जाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाओगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हो, मैं जैसे गाड़ी से उतरता हूँ तो उसके बाद मैं जमीन के नीचे घुस जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। जब भी आप लोग इस वाली कार को इस जगह पे चिपकाओगे तो उसके बाद आपको गाड़ी में एंटर नहीं करना है, आपको अपने दोस्त को गाड़ी में एंटर करने के लिए बोल देना है। उसके बाद जैसे आपका दोस्त गाड़ी में एंटर कर देगा और उसके बाद जैसे आपका दोस्त गाड़ी से उतर जाएगा तो उसके बाद आपका दोस्त इस तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे आपका दोस्त यहाँ पे इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा तो उसके बाद आपके बाकी के दोस्त एकदम से हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो मान लो कि पांच ट्रिकों में से आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।